सच साहस सरोकार। मोदी सरकार के 9 साल पूरे 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी करेंगे रैलियां। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, सीएम ने लगाया जनता दरबार, कलश यात्रा का करेंगे शुभारंभ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सब महासम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, बोले चाहे हल्दी घाटी हो या गलवान, भारत न कभी झुका है न झुकेगा। लखनऊ में सपा नेता द्वारा सिंह यादव ने दिया इस्तीफा, समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पर दिया इस्तीफा। निकाय चुनाव में धांधली के आरोप का कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने किया पलटवार, बोले नगर निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, जहां आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। वहीं मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक भी किया। इसके बाद सीएम योगी नवदेव विग्रहों के रथ और कलश यात्रा को मानसरोवर मंदिर से रवाना किया, जो गोरखनाथ मंदिर में जाकर संपन्न होगी। इसके बाद दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में श्रीमद भागवत महापुराण और यज्ञ का भी शुभारंभ किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरा दिन जनता दरबार लगाते हुए जनता की समस्याओं को सुना, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कलश यात्रा को भी रवाना किया है, जिसमें तमाम महिलाएं और पुरुष शामिल हुए हैं। वहीं ये यात्रा संपन्न होने के बाद एक यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। निकाय में मिली जीत भाजपा के मिशन 2024 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई दिखाई देगी। बता दें कि 17 नगर निगमों में पहली बार पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। वहीं बताते चले कि भाजपा की नई प्रदेश टीम का गठन हो चुका है। इस चुनाव में मिली बड़ी जीत ने भाजपा को नई ऊर्जा देने के साथ अपने विरोधियों पर दबाव भी कहीं ना कहीं बनाने का बड़ा काम किया है। 2024 की तैयारियों में भाजपा पूरी तरीके से जुट गई है। दरअसल यूपी निकाय चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला बढ़ चुका है, या यूं कहे कि कहीं ना कहीं एक बूस्टर डोज जैसा काम हुआ है। इस जीत ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक बूस्टर डोज दे दी है। यही वजह है कि अब मिशन 2024 के तैयारियों में यूपी के तमाम दिग्गज नेता और सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ अब जुट गए हैं। लखनऊ में सपा के दिग्गज नेता दारा सिंह यादव ने सपा से इस्तीफा दे दिया है। अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में उन्होंने इस्तीफा दिया है। बताते चले कि उन्होंने अखिलेश यादव के निजी सचिव गंगा राम के हाथों में पार्टी से इस्तीफा सौंपा है। साथ ही बता दें कि लगभग 10 सालों से वो पार्टी में अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग देते आ रहे थे, जबकि शिवपाल यादव के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में भी काफी दिनों से रहे। वही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय होने के बाद भी अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का वो लगातार समर्थन करते रहे और कार्य उचित सम्मान न मिलने से नाराज दारा सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो सपा के दिग्गज नेता दारा सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल उन्होंने पार्टी पर सम्मान करने का आरोप नहीं लगाया है, जबकि शिवपाल सिंह यादव जब सपा से अलग हुए थे तो उस दौरान भी दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था और अखिलेश यादव के साथ वो खड़े रहे थे। लेकिन अब दारा सिंह यादव ने इस्तीफा सौंपते हुए पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दारा सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी को एक बेहद ही बड़ा झटका लगा है। लखनऊ में नव निर्वाचित महापौर सुषमा खरकवाल ने निवर्तमान महापौर संयुक्ता भाटिया से विजय के पश्चात उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। इस दौरान नव निर्वाचित महापौर सुषमा
खरकवाल ने निवर्तमान महापौर संयुक्ता भाटिया से लखनऊ की जन समस्याओं पर चर्चा की और उनके समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया है। इस दौरान आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्य को ही आगे बढ़ाऊंगी। लखनऊ की पूर्व मेयर और मौजूदा मेयर की, जहां दोनों ही मेयरों के बीच आपस में मुलाकात हुई। इस दौरान सुषमा खरकवाल ने पूर्व महापौर का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। वहीं उन्होंने कहा है कि वो जन समस्याओं पर काम करेंगे और जनता की समस्याओं को समझने का भी वो पूरी तरीके से प्रयास करती हुई दिखाई दी हैं। अब खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने नगर निकाय चुनाव पर बयान दिया है। मंत्री संजय निषाद ने नगर निकाय चुनाव में विपक्ष के धांधली के आरोप पर पलटवार किया है। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षियों के पास आरोप लगाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हुए हैं, ऐसे में विपक्ष का चुनाव आयोग पर आरोप लगाना हास्यास्पद है। मंत्री संजय निषाद ने आगे कहा कि हर जाति, धर्म और वर्ग के साथ हमारे लोग खड़े हैं। आरोप के अलावा कोई बचता नहीं है। आज के दिन में जो एजेंसी होती है उनको पता है कि आचार संहिता लग जाता है, तो उस जितनी एजेंसी होती है वो जो है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाती है। और चुनाव आयोग पर आरोप लगाना कितना हास्यास्पद है। हमको लगता है कि जिस तरीके से इनके समय धांधली होती रही होगी, तो उसी तरीके से सोचते हैं हम समय सारे निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। आज के दिन में जहाँ जहाँ भी हैं आप देखेंगे सब लोग संतुष्ट हैं, काम बहुत शांतिपूर्वक। आपका पहला इलेक्शन है इस तरीके का, इतना शांतिपूर्वक हुआ है, इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहिए, हम लोग बधाई देते हैं। 2024 का जो चुनाव होना है उससे पहले नगर निकाय चुनाव में इतनी बड़ी मार्जिन से चुनाव जो लखनऊ डबल बेंच में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस राजन राय के साथ महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। दरअसल भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मिला है 3.80% आरक्षण और एससी वर्ग को मिला है 21 की जगह मात्र 16.2% आरक्षण। वही भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1984 का उल्लंघन भी हुआ है। वही 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की अभी तक मूल चयन सूची नहीं बनाई गई है। शिक्षक भर्ती को मूल चयन सूची पर संपन्न करने के बजाय जिला आवंटन सूची पर संपन्न कर अधिकारियों ने लिस्ट में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी और जन्मतिथि आदि को छुपाए हैं। तो 19,000 सीटों पर जो आरक्षण का मामला था, उस मामले पर आज सुनवाई होगी। तो 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर आज अहम सुनवाई होगी। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो वही अब 19,000 सीटों पर आरक्षण के लिए आज एक महत्वपूर्ण और अहम सुनवाई होनी है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के जवाहर नगर वार्ड नंबर 30 में निर्दलीय और भाजपा पार्षद में जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद एक दूसरे पर गोली चलाने का आरोप भी लगा। बता दें कि इस वार्ड से निर्दलीय पार्षद दिनेश भारद्वाज ने जीत हासिल की है और भाजपा के पूर्व में पार्षद रहे सुरेंद्र कुमार पचोरी निर्दलीय पार्षद से चुनाव हार गए, जिसके चलते भाजपा के पार्षद द्वारा निर्दलीय पार्षद के ऊपर हमला तक कर दिया गया। इसको लेकर निर्दलीय पार्षद के समर्थकों के द्वारा थाना बन्ना देवी का घेराव कर दिया गया और जमकर नारेबाजी तक की गई है। इस दौरान आनन फानन में इलाका पुलिस के द्वारा भाजपा के पूर्व पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। पंडित, अच्छा, उसको इन्होंने अपोजिट पार्टी वालों ने बंद करा दिया और हमारे घर पे आके इन लोगों ने फायरिंग की। और मैं ये नहीं कह सकती कथित रूप से कौन है जो ये सामने बोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि यही होंगे। क्या बात हुई थी? हमारी इनसे कोई बात नहीं हुई, ये उन लोगों नहीं, इनका जैसे कि इनका आरोप है, जो निर्दलीय गुट के लोग हैं, इनका आरोप है कि उन्होंने जो आपके बेटे हैं उन्होंने आके फायरिंग करी है। नहीं, कतई नहीं, उसको तो बाहर जाने ही नहीं दिया। अच्छा, एक लोग नहीं तो 4-5 लोग ताले में बंद कर दिया, क्योंकि वो मुझे भी कह रहा था। हुआ भाजपा का सुरेंद्र पचोरी। क्या नाम आपका? सुरेंद्र पचोरी। सुरेंद्र पचोरी, ये हार गया था।
हमने जूसी को लड़ाया था, दिनेश पचौरी मुझे लड़ाया था, तो वो जीत गया था। तो आज शाम के मैं रघुनाथ में था, रघुनाथ पहले से वहाँ खबर आती है, मेरे बच्चे खबर देते हैं सब ऐसे तरीका से पिस्टल चला गया, फायरिंग हो गई। हाँ फायरिंग हो गई। फायरिंग किसको हुई? मेरा बच्चा बैठा तो उस पर छत पर। आपका बेटा है वो? हाँ। क्या नाम है? आयुष उपाध्याय। गोली लगी क्या? ना ना, उसने दूर से मतलब जैसे फायरिंग वैसे ही गली में से चलाई। कितने राउंड फायरिंग? एक राउंड। तो ऐसा क्या कारण रहा जो आपको यहाँ आना पड़ा? यहाँ कारण फायरिंग नहीं हो रही, बहुत देर तक वो ड्रामा करता रहा सुरेंद्र। निर्दलीय प्रत्याशी के बीच जमकर हिंसा देखने को मिली है। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी ने अलीगढ़ में जीत दर्ज की है, तो वहीं भाजपा के पूर्व प्रत्याशी ने अपनी हार का कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी पर हमला किया और इस दौरान गोलीबाजी करने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस ने भाजपा के पूर्व पार्षद को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आपको ये तस्वीरें अलीगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां मौजूदा पार्षद और पूर्व पार्षद के बीच हिंसा की खबरें देखने को मिली, हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। इस दौरान भाजपा के पूर्व पार्षद ने निर्दलीय पार्षद को, जो विजय पार्षद था, उसको गोली मारने का भी प्रयास किया है। गाजियाबाद के ब्यूटी पार्लर में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र में गॉर्जियंस नाम के ब्यूटी पार्लर में ये धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। इस घटना का एक वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में वहां से गुजर रही एक महिला ने ये वीडियो बनाया है। उसका कहना है कि इस ब्यूटी पार्लर को चलाने वाली बबीता नाम की महिला ने उसे आवाज देके अंदर बुलाया, जिसके बाद उसने अब्राहम और उनकी पत्नी रीवा से मिलवाया। दोनों ने उससे ईसाई धर्म में दीक्षा लेने के तमाम फायदे बताए गए। सुनीता का दावा है कि वहां आर्थिक रूप से कुछ कमजोर महिलाएं भी बैठी हुई थी। सुनीता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ब्यूटी पार्लर संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां पे गॉर्जियस ब्यूटी पार्लर है और वहां पे मैं वहां से निकल रही थी, तो मुझे उस महिला ने आवाज लगा के मतलब बुलाया, तो मैंने पूछा कि हाँ जी बताओ क्या हुआ। तो शायद वो मेरे बारे में जानती नहीं थी, तो उसने मुझे अंदर बुला के बोला कि इनसे कुछ बात कर लीजिए। तो वहाँ पे एक पादरी थे और मतलब वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे अंदर, कुछ महिलाएं थी, कुछ मतलब काफ़ी कमज़ोर वर्ग की महिलाएं भी वहाँ बैठी हुई थी। तो मैंने बोला हाँ जी बताइए, तो कह रहे कि मेरे गले में लॉकेट था, मैं कृष्णा जी का लॉकेट था, तो उन्होंने बोला कि इसे उतारेंगे आप। थाना खोड़ा पर वादिया अपने सहयोगी के साथ तीन व्यक्तियों को गिरफ्तारी हालत में लेकर आई, जिनके नाम क्रमशः इब्राहिम थॉमस है, जो कि कलवरी चर्च मयूर विहार दिल्ली से संबंधित बताए जा रहे हैं और पेशे से पादरी हैं। इनके साथ साथ इनकी पत्नी रीवा और बबीता पत्नी संजय ठाकुर, जो कि मयूर विहार फेज टू दिल्ली की रहने वाली हैं और मधु विहार खोड़ा में अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। वादिया ने लिखित तहरीर देकर इन लोगों पर यह आरोप लगाया कि वादिया को अपने ब्यूटी पार्लर में बुलाकर बबीता द्वारा इन दोनों लोगों से परिचय करवाया गया और इनके धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया संबंधित। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, गाजियाबाद के बीच बाजार में एक ब्यूटी पार्लर संचालित होता है, जहां पर खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं थी इस मामले की। जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, आपको बता दूं ये गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका का पूरा मामला है, जहां पर एक ब्यूटी पार्लर के अंदर में जिस तरह से एक गंदा खेल धर्मांतरण का चल रहा था, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हालांकि धर्म परिवर्तन किस धर्म में कराया जा रहा था ये बड़ी बात है, हालांकि पहले भी ऐसे कई मामले आए जिसमें कि मुस्लिम समाज के लोग इस तरह का धर्म परिवर्तन कराया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये क्रिश्चियन यानी जो पादरी है वो किस तरीके से लोगों का माइंड वॉश कर रहे थे और अपने धर्म के बारे में उनको कई ऐसी चीजें बता रहे थे जिससे कि लोग उनके धर्म में आ जाए। हालांकि ये जो महिला है जिसने आरोप लगाया है और जिसने गिरफ्तारी करवाई है इन लोगों की, ये महिला भाजपा की कार्यकर्ता है और जिस तरह से इसको बुलाकर इसका माइंड वॉश किया जा रहा था, कहीं ना कहीं इसने तुरंत तत्काल वहां का वीडियो बनाया और जिस तरीके से पादरी जो है दिल्ली के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने जिस तरीके से जो बातें कर रहे हैं साफ तौर पर इन्होंने उस महिला ने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं गाजियाबाद में एक ब्यूटी पार्लर की आड़ में इस तरीके का धर्मांतर किया जा रहा था। ठीक है प्रवीण, जिस तरीके से इस महिला ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी, तो क्या सरे रहा चलते चलते महिलाओं को पार्लर के अंदर बुला करके धर्म के बारे में जानकारी दी जाती थी या फिर किसी एक स्पेसिफिक तबके से इन सभी महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था?
जी बिल्कुल, देखिए किसी पर्टिकुलर किसी तरीके से ऐसा नहीं था कि लोगों को बुलाकर या किसी तरीके से का, लेकिन महिलाएं जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता हो या फिर कोई इनके संपर्क में आता है तो उस तरीके से ये लोग उनको बुलाकर उस ब्यूटी पार्लर के अंदर में, हालांकि ब्यूटी पार्लर में क्या चल रहा है क्योंकि ब्यूटी पार्लर महिलाओं के लिए होता है तो वहां पर लोग ऐसे कुछ जा नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इस पादरी के तरफ से जिस तरीके से इनका एक पूरा गैंग था, जिस तरीके से दिल्ली के लोग थे और ये किस तरीके से धर्मांतर कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले की भनक नहीं पड़ी क्योंकि एक ब्यूटी पार्लर के अंदर में ये पूरा एक खेल चल रहा था धर्म परिवर्तन का, लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस को जब इस मामले की जानकारी हुई, पुलिस ने तत्काल इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनको जेल भेज दिया गया है। हालांकि जो महिला है, महिला साफ तौर पे कह रही है कि ये जब वहां से गुजर रही थी तो इसको बुलाया गया और इसको इसने अपने जब पलटवार में इसने ये भी पूछा कि हाँ जी क्या बात है, तो कहीं ना कहीं अंदर बुलाकर जब सारे मामले का इसको पता चला कि इस तरीके से यहाँ पर खेल चल रहा है, तत्काल ये महिला अपने सहयोगी अपने जो इनके महिला के जानकार थे उनको बुलाती है, उसके बाद इन सभी लोगों को थाने लेकर जाती है। जी ठीक है प्रवीण, अभी आपने जिक्र किया कि इस मामले को लेकर के कई लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है पूछताछ का दौर भी कहीं ना कहीं जारी होगा, तो क्या कुछ और इस मामले में खुल के सामने आ रहा है, इस धर्मांतरण के खेल की तारे और किन किन राज्यों से या किन किन शहरों से जुड़ी है? जी बिल्कुल, देखिए जब पुलिस ने पूरे मामले का तफ्तीश ली और इनको बातचीत की तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुछ राज भी उगले हैं, हालांकि कई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर और भी इनके लोग जो हैं जो इस तरीके से धर्मांतर करा रहे थे, धर्म परिवर्तन करा रहे थे, हालांकि पुलिस जो है अभी पूरी तहकीकात कर रही है, हालांकि रिमांड पे भी लिया जाएगा इन लोगों को, इनसे पूछताछ की जाएगी कि खोड़ा गाजियाबाद के अलावा या उत्तर प्रदेश में अन्य जगह पर भी इस तरीके का खेल चल रहा था या सिर्फ खाली यहीं से ही शुरुआत की गई थी। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबर गाजीपुर से है जहां भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए राम रमैया कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के विजन लोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में चले ऑडिशन में कई जनपदों से 10 साल से 50 साल तक के कलाकारों का ऑडिशन हुआ है। इसी के तहत गाजीपुर से 12 कलाकारों को चयनित किया गया जिन्हें भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा के साथ मंच पर प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। इसके साथ आज अनूप जलोटा गाजीपुर पहुंचे, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गाजीपुर से भी 12 कलाकार चयनित हुए हैं जो मेरे साथ मंच साझा करेंगे। एक महीने पहले हम गोरखपुर गए, योगी जी से बैठ के इस विषय में चर्चा की और उन्होंने कहा कि हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज सुबह ही मेरी योगी जी से बात हुई और योगी जी को हमने बधाई दी, बहुत अच्छी जीत हुई है इस बार चुनाव में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और हम आपके साथ हैं, आप इस कार्य को करें, हमारी प्रतिभाओं को, देश की प्रतिभाओं को सामने लाइए। तो यहाँ जो घाट बता रहे हैं कलेक्टर घाट, उसमें ये विशाल कार्यक्रम होगा और हमने जो 12 लोगों को यहाँ चुना है बहुत अच्छी तरह चुना है। तो वही हमीरपुर में दबिश देने गए पुलिस पर बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। बता दें कि जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव के एक निवासी शंभू कुशवाहा का तमंचा लहराते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले की जांच करने के लिए कुरारा थाने के पतारा गांव स्थित चौकी इंचार्ज अपने 6 हमराहियों के साथ दबिश देने गए थे, तभी झाड़ियों में छुपे अपराधी ने पुलिस टीम पर जमकर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान चौकी इंचार्ज के बाएं हाथ में गोली लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल तक हो गए। इसके बाद अपराधी मौके से भाग निकले जिसके बाद पुलिस ने अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है, उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस तक बरामद किया गया है, जबकि घायल अवस्था में उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 5 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति असला के साथ नजर आ रहा था, तो आज पतारा चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह जब उसकी तबीश के लिए पतारा गांव में गए थे, उनको सूचना मिली थी कि वो आदमी वहां पर है, जब वो मौके पर पहुंचे अपने माइक मोबाइल के साथ 3 आरक्षी और एक दरोगा, जब वहाँ मौके पर पहुंचे तो उस व्यक्ति ने जो कि झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था उसने पुलिस को आते हुए देख के पुलिस पर फायर कर दिया, जो गोली हमारे चौकी इंचार्ज के बाएँ हाथ में लगी है, उनका उपचार अभी उनको अस्पताल लाया गया, जिला अस्पताल वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है, अभी जो स्थिति है खतरे से बाहर बताई जा रही है और उसकी टीम उसके पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है जल्द से जल्द। तो वही
वहीं राजधानी लखनऊ में दबंगों का कहर लगातार जारी है। बता दें कि दुबग्गा के सब्जी मंडी गेट नंबर 3 हनुमान मंदिर के पास खुलेआम दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की और मारपीट में युवक घायल तक हो गया। बताया जा रहा है कि दबंग ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर युवक पर जानलेवा हमला किया। वह इस दौरान दबंगों ने बीच सड़क पर रास्ता जाम कर मारपीट की घटना तक को अंजाम दिया है। इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। तो यूं तो लगातार ये कहा जाता है कि यूपी में कानून का राज कायम है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें यूपी के जनपदों से या यूं कहे कि राजधानी लखनऊ से सामने आती है, तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो खुलेआम दबंगों ने ये जमकर मारपीट किया और इस दौरान दबंग जो है वो लाठियां तक मारते हुए एक युवक को नजर आए और वहां पर मौजूद लोग वीडियो बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो उस वक्त प्राइम टीवी के माध्यम से हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो दबंगों के हौसले के साथ तक राजधानी लखनऊ में बुलंद हो चुके हैं, उसकी तस्वीरें प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे होंगे कि लगातार तो ये कहा जाता है कि यूपी में सब कुछ दुरुस्त है, यूपी में सब कुछ चंगा है। निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि यूपी में सब कुछ चंगा है, सब कुछ भला है और यूपी में कानून का राज कायम है। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई में यूपी में कानून का राज कायम है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओवैस हमारे साथ जुड़े हैं। ओवैस, यूं तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुलेआम मन से कहते हैं कि यूपी में कानून का राज कायम है, लेकिन जिस तरीके से ये मारपीट का वीडियो राजधानी लखनऊ से सामने आए हैं, क्या वाकई में लगता है कि यूपी में कानून है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सही आपने कही है। मुख्यमंत्री के तो आदेश है कि जीरो टॉलरेंस पे जो है वो नीति अपनाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके की घटना यहाँ दुबग्गा में देखने को मिली है और उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं और जो पश्चिम की ठाकुरगंज पुलिस है ये जो है बिल्कुल पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है, जिसपे मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन इससे नहीं कर रही है। बिल्कुल ओवैस, ये पूरा मामला कहाँ का बताया जा रहा है और अभी तक इस मामले में किन किन लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है ये दुबग्गा का है, दुबग्गा सब्जी मंडी के पास का मामला है, दुबग्गा थाना क्षेत्र का, और ये जो है दुबग्गा और ठाकुरगंज के बॉर्डर है ये। इस पे जो है अभी गिरफ्तारी वीडियो जब ये वायरल हुआ है, जब ये खबर चली है, उसके बाद पुलिस सतर्क हुई है, पुलिस ने जो है एक्टिव हुई है। उससे पहले दबंग मार के चले गए, तब तक पुलिस पता नहीं कहाँ सो रही थी। फिलहाल उसके बाद जब ये पुलिस जो है जागी है, जागने के बाद जो है पुलिस ने जो है ताबड़तोड़ जांच चालू करी, ताबड़तोड़ लोगों को ढूंढना चालू किया। फिलहाल अभी कोई सफलता नहीं मिली है पुलिस की। जी बिल्कुल, धन्यवाद ओवैस हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं लखनऊ से एक बार फिर एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में युवक बुलेट मोटरसाइकिल पर खड़े होकर अवैध असलहे के साथ खतरनाक स्टंट बाजी करते हुए दिखाई दिया है। ये वीडियो चौक क्षेत्र के इमामबाड़े के पास का बताया जा रहा है। तो ये वही वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि बुलेट पर एक युवक सवार होकर स्टंट बाजी करते हुए नजर आ रहा है, जबकि उसके हाथों में अवैध असलहा भी हम देख सकते हैं। तो लगातार स्टंट बाजों पर कार्रवाई का दौर जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टंट बाज है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर युवकों के स्टंट बाजी का वीडियो सामने आता है। तो एक ऐसा ही वीडियो राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां पर एक युवक बुलेट पर सवार होकर बड़े इमामबाड़ा के पास स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उस पर पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो वहीं लखनऊ में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष होने का मामला भी अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभासद बनने के बाद समर्थकों ने पूर्व सभासद के घर के बाहर पटाखे फोड़े और घर के महिलाओं से अभद्रता तक की है। घटना की जानकारी के बाद पूर्व सभासद अपने घर पहुंचे तो सभासद के दर्जन भर समर्थकों ने लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीटना तक शुरू कर दिया। पूर्व सभासद को लाठी डंडों से पीटता देख सम्मानित व्यक्ति अजय सिंह समझौता कराने पहुंचे तो दबंगों ने उनके साथ भी अभद्रता कर डाली और घटना की सूचना के बाद पुलिस ने घायल पूर्व सभासद को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वहीं घायल पूर्व सभासद ने पुलिस को तहरीर दी है। बीकेटी थाना क्षेत्र के साढ़ामऊ गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद उवैस जुड़ चुके हैं। उवैस, दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला लखनऊ से सामने आया है, कहां का ये मामला बताया जा रहा है और क्या कुछ इस पूरे मामले में हिंसक झड़प हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव के बाद दो पक्षों में पार्षद है, सभासद है, सभासद के दो पक्षों में पूर्व सभासद और एक जीता हुआ जो प्रत्याशी है सभासद के, उनके समर्थकों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है और खूनी संघर्ष हुआ है और लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों को अस्पताल जाना पड़ा, लोगों को काफी चोटें आई हैं और ये मामला जो बताया जा रहा है ये जो है पीकेटी थाना क्षेत्र का है और है। जो इसमें बिल्कुल बिल्कुल ओवैस, तो जिस तरीके से हमें तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, तो ये दो पक्ष आखिर है कौन कौन से? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि एक तो जो पार्षद है, जो जीते हुए पार्षद है वो है और एक जो पूर्व पार्षद है वो है। ये दोनों लोगों के बीच में चुनावी संघर्ष हुआ है। चुनाव के बाद जो इन लोग जो है आपस में एक दूसरे को हर्षोल्लास मना रहे थे, जीता हुआ जो पार्षद था, और उसी बीच में इन लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा एक कदर के बढ़ गया कि लोग खूनी संघर्ष हो गया और उसके बाद लोगों को अस्पताल लेके जाना पड़ा, जहां पर रात में इसको जो है उपचार कराया गया। फिलहाल अभी लोगों का उपचार भी चल रहा है। जी ओवैस, इस मामले पर अभी तक गिरफ्तारी किन किन की कर पाई है पुलिस? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक इस पे पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने साफ तौर पर यह कहना है कि मैं जांच कर रही हूँ, जांच के बाद जो है जो भी लोग जो है इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे, जो जिन जिन के नाम सामने आएंगे उसको गिरफ्तार किया जाएगा, इस पर कड़ा रोक अपनाया जाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी, लोगों को जो है जेल भी भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद ओवैस हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खेलो इंडिया के प्रचार प्रसार के लिए प्रतापगढ़ से चलकर खेलो इंडिया का मशाल जुलूस रथ रायबरेली जा पहुंचा, जहां एसडीएम प्रशास और अन्य अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ सैकड़ों खिलाड़ियों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान एडीएम प्रशासन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया का जहां पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो वही अब इसके प्रचार प्रसार के लिए ये मशाल जुलूस जो है वो रायबरेली पहुंच चुका है। इसका उद्देश्य है कि 2022 का व्यापक प्रचार प्रसार किया अलीगढ़ जिले के गभाना क्षेत्र के एनएच 91 पर चलती कार आग का गोला बन गई है। वहीं आग में जलकर चालक की मौत हो गई है और कार सवार मां बेटी ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। बता दें कि हादसे के वक्त कार सवार महिला अपनी बेटी एएमयू में प्रवेश परीक्षा दिलाकर लौट रही थी और परीक्षा के बाद खुर्जा लौटते समय जब एनएच 91 गवाना क्षेत्र के बाईपास नत्था नगला के पास पहुंचे, तभी कार में अचानक आग लग गई और माँ और बेटी ने कार से कूद कर बमुश्किल अपनी जान बचाई है। वहीं आग में फंस कर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत भी हो गई है। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? जो अभी ये क्या यहाँ पर क्या घटना हुई हाईवे पर? ये कार अलीगढ़ से खुर्जे की तरफ जा रही थी, चलती गाड़ी में आग लग गई जिससे इसमें एक अंदर आदमी है वो पूरा जल के राख हो गया है। अच्छा, कितने लोग थे इसमें? इसमें 3 लोग थे बताया जा रहा है, 2 बाहर निकल चुके हैं और एक अंदर है, वो जल के पूरा राख हो गया जो ड्राइवर बताया जा रहा है। तो सूचना पर लागा पुलिस आ गई है मौके पर? मौके पर लागा पुलिस आ गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है जिसने आग पर काबू पाया है। तो वहीं यूपी में हीट वेव का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन तक लू चलेगी और लोगों को झुलसा देने वाली धूप का सामना तक करना पड़ेगा। बता दें कि लखनऊ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिन तक तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। लखनऊ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार तक चला जाएगा, वही गर्म हवाएं लोगों को परेशान भी करेंगी। अगले 3 दिनों में कहीं पर भी कोई बारिश का पूर्वानुमान तक नहीं है। वहीं लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के दूसरे
जिलों में भी तापमान तेजी से बढ़ेगा। वही इसी के साथ कानपुर में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में तापमान गिरने और प्री मानसून वर्षा और बूंदाबांदी होने की संभावना भी जताई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।